अब हम चलते हैं माइक नंबर दो पर। माइक नंबर दो पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं? मेरा कहना आप समझ रहे हैं, और मैं आपसे आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा, क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए, ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहाँ पर है वो, अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है, कहाँ है, किधर है। भाई साहब का तीन सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है, बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है, जो अपने देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल, आप चाहते कुरान मजीद मुझसे ले पा सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूँ कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 माले से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 माले से खुद ही मारेंगे, मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है? आपने किसी को मरते हुए देखा 10 माले से खुद ही मारते हुए? नहीं सर, सुना सिर्फ ना, सुना यकीन क्या है ना अपने बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर को देखूंगा तो ही मानूंगा, कि आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका ही क्या नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब, आप 10 माले से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 माले से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना, अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा क्या बात सच है क्या बात गलत है। जो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते, 20% एम्बिग्यूस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने यह भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते भाई साहब। सर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है स्वामी विवेकानंद के, खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई इंसान हूँ गलती कर सकता हूँ, कर सकते क्या नहीं। तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करे तो उसकी बात मत मानो, जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे, मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना, स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है। मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड है, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है।
जो खुदा ने बोला खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते, मैं यहाँ आया हूँ लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अब हम आते हैं फिर माइक नंबर एक पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर एक से। मेरा नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूं। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंटरेस्ट हूं। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना ज़रूरी है? ये आम लोगों की जहन में। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फ़र्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। तो मैं तहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा, पूछ रहा हूँ क्योंकि। जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया, तो पुलिस जाके पूछी थी डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको, तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ, तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है इस्लाम में, फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या 70 मेजर सिन, बड़े गुनाह 70, तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई हैं लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है क्या मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ, आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वसद्दु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हान तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। धन्यवाद। आईने जवां मर्दां, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबा। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं उस गैर मुस्लिम खातून, गैर मुस्लिम बहन को जो यहाँ हमारे पास डैस के नीचे मौजूद है। आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेखा मोहबत्रा मेदिनीपुर से आया हूँ। कल्पिकेशन एजेस, मैं पीस टीवी का टेली मायामाम करती हूँ। इस्लाम के बारे में मुझे इसी से मालूम नहीं है। नीज मेरे क्लास के लड़का भी इस्लाम के बारे में मुझे मालूम देते रहते हैं। इन मालूम से मस्जिद तो कर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाह से रखती हूँ। इसलिए आप बारे में करम इस्लामी कलमा पढ़ दे। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है
और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह, आप दिल से करना चाहती? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। भगवान एक है मानते हैं आप? जी। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं? आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? जी। कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं लेके आया? क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरदस्ती करना हराम है और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मजहब को तब्दील करना चाहता है और वो मजहब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ के अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहु से दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरत है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दें, मुस्लिम नाम। बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन, में जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था। अस्सलाम वालेकुम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कला में नर्म नाजुक बेअसर। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद है। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल कुरान के दूसरे नंबर सूरह बकरा में कहा गया है, यही वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है? भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह 2 में लिखा है, वो क्या कहना चाहते हैं मैं दोहराता हूँ। वो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए, मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1-2। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है, मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूँ तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है
और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूँ? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं, ना मुस्लिम मर्द को इजाज़त है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाज़त है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पर यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। जो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है? खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है, और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है, अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनीवार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने जमीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं, उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? फिर भाई साहब आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पर हम उनके ऊपर कोई दबाव डाल सकते हैं? बेदखल क्यों करें, कुछ आपने गलती की? गलती नहीं सर, ऐसा भी होता, गलती भी होते हैं और भी और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती की हुई हो या मतलब क्या गलती, जानना चाहिए ना। कुछ गलती की सजा है, कुछ गलती की सजा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सजा है मौत दी, अरे क्या गलती की है? आप गलती नहीं बोले तो बोलूं कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सजा होती है, जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पर अम्मी तथा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं, माइक नंबर 1 से। आई एम विजय भूत्रा एंड आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग रेजिन्स विच इज वेरी सिमिलर टू योर्स। वी मेक केमिकल्स विच बॉन्ड्स सर्टेन प्लाईवुड, सो मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप बाय वे ऑफ योर स्पिरिचुअल। आई हैड बीन टू एयरपोर्ट, वी रिसीव्ड यू। I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. I mane wahan ki koi shlok aapne padhi. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told, Keval Quran, he, you have added the word yesterday, he is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you'll have to give me some time because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days Kalki Puran, which you have told ki Pagambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा 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 करेंगे हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं? टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त था आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूँ। कोई बात नहीं, माय लेट माय क्वेश्चन बी इनकम्प्लीट एंड लेट द आंसर बी नॉट देयर। व्हाई यू कमिंग सो लेट? आई एम सॉरी फॉर दिस, माय टर्न डिड नॉट कम। कंप्लीट योर क्वेश्चन, कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन। नो नो, इफ यू परमिट, इफ यू द एवरीथिंग बट इज सेइंग नो प्रॉब्लम।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में यह शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। लेकिन इस मजलिस कल, कल इंशाल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको कल। फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। यस फर्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू। आई वांट टू रिप्लाई टू यू इन पब्लिक। थैंक यू। इन पब्लिक नॉट प्राइवेटली। आई एम आल्सो गोइंग टू पुट योर क्वेश्चंस इन पब्लिक सर। Inshallah. I also put my question, entire question, oh, sure. tomorrow in public. Thank you. Thank you. आप लोग शांति का माहौल बना रखें। अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ न पहुंचाना। कोई ऐसी हरकत न करें आप लोग जज्बात में आकर के मोहब्बत में आकर के कि जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तकलीफ पहुँचे। आखिर में हम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मुतीउर रहमान साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और आखिरी कलिमात शुक्राने के साथ पेश करें और इस मजलिस के अख्तिताम का ऐलान करें। जनाब मौलाना मुतीउर रहमान मदनी साहब चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज ऑर्गेनाइज़र रोहेरवा किशनगंज पीस कन्वेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد। आप अगर शुक्र गुजार हैं तो अल्लाह आपको और मज़ीद नवाजेंगे। ख़वातीन और हज़रात आज का दिन किशनगंज के लिए एक दूसरा तारीख़ी दिन साबित हुआ। किशनगंज पीस कन्वेंशन का दूसरा ये दिन था। बहुत पुरअमन और शांति के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हूँ फिर हमारे मुहतरम डॉक्टर जाकिर नायक हफ़िज़हुल्लाह का और उसके साथ साथ हमारे ज़िला के प्रशासन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि वह हमारे साथ हर मोड़ पर हर तरह की तआवुन फरमाएं। और मैं आप सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप शांति और पीस के साथ आज का ये प्रोग्राम सुने। मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों का इंतज़ार करूंगा लेकिन गुजारिश होगी आप लोगों से कि पुरअमन और शांति के साथ आप आएं इस प्रोग्राम में। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على النبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।